डाकघरों का काम एक सप्ताह के लिए बाधित। अररिया जिले के सभी डाकघरों का काम काज 19 से 24 तक यानी एक सप्ताह तक पूरी तरह कार्य ठप रहेगा। दरअसल डाक विभाग के सभी तरह के कार्य अब ऑनलाइन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में एक सप्ताह लगने की उम्मीद है, लिहाजा एक सप्ताह तक जिले के सभी डाकघरों का काम काज ठप रहेगा। पोस्ट ऑफिस में होने वाली सभी प्रकार के कार्य अब ऑनलाइन होंगे। अब सभी काउंटर पर ऑनलाइन सुविधा जारी की जाएगी। जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में अब ऑनलाइन सेवा प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन सेवा देने के लिए ग्रामीण डाकघर कज भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ये बताइए कि ये जो आप लोग का अपग्रेडेशन वगैरह काम हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है? ये CSI रोल आउट चल रहा है अभी। हम लोगों का पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन, जितना भी चीज़ हमारा कागजी काम हो रहा था, अब उन सब चीज़ों को पेपरलेस वर्क में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और हर एक चीज़ को पूरा सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी चीज़ को देखने में और मतलब क्रियान्वयन में ज़्यादा आसानी होगा। कंप्लीट ऑनलाइन फ्रेमवर्क पर वो काम करेगा, जिसमें TCS इसमें सहयोग कर रही है। 24 तारीख को अपना पूर्णिया डिवीजन का रोल आउट। इसमें क्या क्या काम होगा ऑनलाइन में? ऑनलाइन में पोस्ट ऑफिस के जितने सारे काम हो रहे हैं ना, जो मैनुअल में हो रहे हैं या फिर थोड़ी थोड़ी करके बाधा आ रही है पहुँचने में, वो सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे। मतलब यही काम, इसी काम को बस फ्रेमवर्क समझिए, एक तरह से बदल रहा है। वर्किंग प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन वो सारा चीज़ SAP सॉफ्टवेयर एक आता है, जर्मन सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन सारा काम का मतलब क्रियान्वयन होगा। ये काम कितना दिन अभी बाधित रहेगा पब्लिक के लिए? अभी काम कब तक नहीं? ये काम अभी 24 तारीख को हम लोग का रोल आउट है। 24 तारीख से एटलीस्ट काम हम लोग का शुरू हो जाना चाहिए। नाम आपका? मेरा नाम हुआ अनुरंजन जनू, पोस्टल असिस्टेंट। जोकीहाट से शमशाद बागी की रिपोर्ट। स्वच्छता कोषांग सह कंट्रोल रूम का विधायक ने किया उद्घाटन। जोकीहाट प्रखंड परिसर में स्वच्छता कोषांग सह कंट्रोल रूम का फीता काटकर विधायक शाहनवाज आलम ने उद्घाटन किया। मौके पर विधायक ने जोकीहाट प्रखंड वासियों से आह्वान किया कि स्वच्छता के प्रति एक एक व्यक्ति सहयोग करें और लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करें और जोकीहाट की शान को बढ़ावें। DRDA डायरेक्टर सह जिला आपदा पदाधिकारी शंभु प्रसाद शाह ने कहा कि स्वच्छता के कंट्रोल रूम इसलिए बनाया गया है, जिसमें दो कर्मियों की तैनाती की गई है, उनके मोबाइल को रिचार्ज कर दिया गया है। यहां से पता चलेगा कि कुल कितना शौचालय बना, कितना का जियो ट्रैकिंग हुआ। उन्होंने बताया कि पूर्व में दिशा निर्देश था कि 100% शौचालय बनने के बाद लाभुकों को राशि दी जाएगी, फिर कुछ दिन बाद निर्देश आया कि 75%। अभी फिलहाल 50% शौचालय बनने के बाद लाभार्थियों को भुगतान करने का प्रस्ताव लिया गया है। जियो ट्रैकिंग के बाद राशि भुगतान होगा। समय 5 बजे से 8 बजे तक आपके घर पदाधिकारी लोगों को ड्यूटी दिया गया है, जो खुले में शौच से हानियों को बताएंगे, साथ ही गाँव के लोगों को जागरूकता के प्रति प्रेरित करेंगे। रात्रि चौपाल की भी व्यवस्था है। वहीं 12 स्तंभ बरार व मटियारी पंचायत के वार्ड सदस्यों ने डायरेक्टर से शिकायत की कि हम लोगों को 2 साल शौचालय बनाए हो गए हैं, पर प्रखंड का चक्कर लाकर थक चुके हैं, राशि का भुगतान नहीं हुआ है। मौके पर BDO सराफत हुसैन, रफीक आलम, हासिम अनवर, ममनून मसीह, अशोक कुमार गुप्ता, मौलाना मंजूर, बबलू राजा आदि उपस्थित थे। नौतन पश्चिम चंपारण से मुकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। नौतन प्रखंड के कृषि सभागार में SDM विधानन पासवान व CO विवेक कुमार मिश्रा और कृषि विभाग के BO रत्नाकर द्विवेदी ने पर्यावरण को बचाने के लिए नौतन प्रखंड के कृषि सभागार के मैदान में पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाए रखने में मदद की है, जिससे कि हमें शुद्ध हवा प्राप्त हो सके तथा समय से वर्षा हो सके। वहीं SDM साहब ने किसानों के बीच 100 पेड़ भी दिए। मौके पर उपस्थित प्रखंड प्रमुख पति मजहर मियां ने बताया कि लोगों द्वारा पौधे को काट कर नष्ट किया जाता है तथा उसकी जगह पर एक भी पेड़ नहीं लगाते हैं। कम से कम हमें उस जगह पौधे लगाना चाहिए, तभी जाकर हमारा पर्यावरण बच पाएगा।
मौके पर उपस्थित प्रमुख पति विवेक कुमार, पंचायत समिति सदस्य नंदलाल यादव, विवेक प्रसाद मालिक, सिंह सत्यनारायण राम, रामशीष यादव, नेक मोहम्मद अंसारी व अंचल के सभी कर्मी उपस्थित होकर एक साथ सभी ने पौधे पर पानी डाले और पौधे लगाए। नौतन पश्चिम चंपारण से मुकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। पंचायत उपचुनाव में नव निर्वाचित भगवानपुर पंचायत में पंचायत समिति सदस्य मालिक सिंह को स्थानीय प्रखंड के सभागार में बुधवार को एसडीएम विधानंद पासवान व सीओ विवेक कुमार मिश्रा के समक्ष शपथ दिलाया गया। अपने संबोधन में पदाधिकारी ने नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को गोपनीयता की बात बताते हुए निष्ठा व ईमानदारी के साथ कार्य करने की नसीहत दिया। मौके पर प्रखंड प्रमुख पति मजहर मियां, उप प्रमुख पति विवेक कुमार, पंचायत समिति सदस्य नंदलाल यादव, विनोद प्रसाद, सत्यनारायण राम, अंबिका प्रसाद, रामशीष यादव, निक मोहम्मद अंसारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व प्रखंड कर्मी मौजूद रहे। देश की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूँगा और किसी भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना से रहित अपने कर्तव्य का जिस पर आरूढ़ होने वाला हूँ श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा। मैं कर्तव्य पालन में अपेक्षानुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मुझे मालूम होगी प्रकट नहीं करूँगा।